आज की ग्लोबलाइज्ड मार्केट में भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की पहली पसंद बन रहा है। इस कंपटीशन में बने रहने के लिए और मार्केट की एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए अभी हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस हैं, जैसे कि एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, अनएम्प्लॉयबल मैन पावर इत्यादि। इन सब में सबसे बड़ा चैलेंज है अनएम्प्लॉयबल मैन पावर, जिसका मेन कारण है स्किल गैप, जिसके कारण एम्प्लॉयज अपने क्षेत्र में संपूर्ण रूप से सक्षम नहीं है, जिससे इंडस्ट्री में मेजरमेंट में गलती होना, सेटअप करने में अधिक समय का लगना और मशीन व टूल का टूटना अक्सर बढ़ जाता है। इन सब की वजह से कंपनीज अपने प्रोडक्शन टारगेट्स व बिजनेस प्लान को समय पर पूरा नहीं कर पाती हैं, जिससे इंडस्ट्रियल सेक्टर को भारी नुकसान हो रहा है। इस नुकसान को कम करने के लिए और स्किल गैप को भरने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ। अमास स्किल वेंचर्स, जिसका उद्देश्य है इंडस्ट्री को स्किल्ड एम्प्लॉयज देना। I am Rajkumar, founder of Amas Skill Ventures. While working with the industry as a management consultant, we came to know that skill gap is the real pain area of the industry. We develop new methodologies, guidelines and techniques for the training to achieve the desired competency. Desired competency ko achieve karne ke liye Amas Skill Ventures employees ki skill ke alag alag pehlu pe kaam kar raha hai, jisme mukhya hain intellectual, technical, एनालिटिकल एंड मैनेजेरियल। इंटेलेक्चुअल, काम करने से ज्यादा जरूरी है काम के साथ अपने आप को जोड़ना। टेक्निकल, काम के बारे में बारीकी से जानना और अपने आप को अपग्रेड करना। एनालिटिकल, निरंतर सुधार के लिए काम करना। मैनेजेरियल, अपना पर्सनल काम और अपना प्रोफेशनल काम दोनों उचित ढंग से करना। A trained person relate themselves with the company business objectives, that is profit and customer satisfaction. Let's see the thought process of our trained person who believes that their customers are first himself and family, ensure personal safety. Second, adherence to production plan, ensure quantity. Third, quality, ensure okay part as per control plan. 4. Maintenance, take proper care of your machines. 5. Tooling, safe handling of tools. 6. HR, self-discipline and well-organized, etc. Let's see the untrained person thought process. No safety precautions, not bothered about the production plan, not worried about quality performance, machine maintenance is others' job, rough handling of tools, indisciplined and unorganized. Let's see the difference in the working methodology of trained and untrained person. Untrained person. Untrained person business ke saath individual ka relation nahi samajh pata hai. वो हमेशा जल्दी में रहता है, सुरक्षा के महत्व को नहीं समझ पाना, मशीन में क्या पैरामीटर और कैसे चेक करना है उसे ना समझ पाना। उसकी सोच है कि क्वालिटी बनाना सिर्फ क्वालिटी डिपार्टमेंट पर ही निर्भर करता है। काम के समय दोस्तों से बातें करते वक्त वह फोन करते हुए बिजनेस लॉस का अंदाजा ना होना अनट्रेन्ड पर्सन को मशीन, टूल, जिग व फिक्स्चर के रख रखाव के बारे में सही से अनुभव नहीं होना, जिससे समस्या आती है। वो मेहनत करता है फिर भी अधूरे ज्ञान के कारण रिजेक्शन का होना, मशीन का ब्रेकडाउन होना, टूल्स का टूटना इत्यादि हो जाते हैं। इन सब की वजह से
प्रोडक्शन व बिजनेस टारगेट पूरे नहीं हो पाते, जिसका असर कंपनी की ग्रोथ पर पड़ता है। अमास ट्रेन पर्सन, आइए देखते हैं कि अमास ट्रेन पर्सन कैसे काम करता है। सबसे पहले वो आज का प्लान क्या है और कितने पार्ट्स बनाने हैं वो चेक करता है। उसके बाद अपनी सेफ्टी का ध्यान रखता है, जैसे कि वर्क स्टेशन के अकॉर्डिंग सेफ्टी गियर्स को पहनना। मशीन की हेल्थ को चेक करना, जैसे कि इमरजेंसी स्विच काम कर रहा है या नहीं, सिस्टम प्रेशर दिए हुए रेंज में है या नहीं, चक प्रेशर, हाइड्रोलिक व लुब्रिकेंट ऑयल लेवल सभी अपने दिए हुए रेंज में होने चाहिए। वो चेक करता है कि लुब्रिकेशन ऑयल पंप काम कर रहा है या नहीं। वो पार्ट मशीन पर लगाने से पहले जिग फिक्स्चर को चेक करता है कि उसमें कोई चिप्स, डेंट या डैमेज तो नहीं है। वो पार्ट को क्वालिटी पैरामीटर के लिए चेक करने से पहले चेक करता है कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कैलिब्रेटेड हो व उस पर डेंट या डैमेज ना हो। वो इस बात का ध्यान रखता है कि इनपुट व आउटपुट मटेरियल सही बिन में हो व सही तरीके से रखा होना चाहिए। वो क्वालिटी डिपार्टमेंट से एक निरंतर अंतराल के बाद पार्ट चेक करवाता है। मशीन टूल ब्रेकडाउन व डिफेक्ट के जो कारण हैं उनको खत्म करता है ताकि समस्या ना आए। वो पार्ट बनाने के बाद और बिन भर जाने पर ट्रेसेबिलिटी टैग को अगले बिन में ट्रांसफर करता है। वो काम करते समय 5S को बनाए रखना, शिफ्ट के खत्म होने पर रिजेक्शन पार्ट्स, टूल्स व ब्रेकडाउन इत्यादि की सारी इंफॉर्मेशन लॉग बुक में एंट्री करवाता है। वो लॉस, डैमेज व लर्निंग को एनालाइज करता है और इम्प्रूव करता है। वो हमेशा टीम वर्क में विश्वास रखता है और कंपनी की ग्रोथ के बारे में सोचता है। इंटेलेक्चुअल पर्सन ऑलवेज रिलेट्स डेली सेल्फ परफॉर्मेंस विद कंपनी बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटेड टू रिड्यूस द लॉस एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी। Amass endeavor to bring this methodology to Indian competency development. We are bringing the future to your doorstep. Now, time to upgrade. Let us change the way India develop competency in employees.